रामगंगा मार्केट में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुछ और लोग हमें मिल गए, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार आने वाली है? योगी की। योगी की? कामकाज बढ़िया रहा योगी का? योगी के अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने आरोप लगाया कि योगी का सरकार जो है वो कामकाज अच्छा कर रही है, लेकिन जो उनका सिस्टम है, जो नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। क्या लगता है? हाँ, वो पहले से ही भ्रष्ट है। हाँ। उसमें कोई सरकार आए कोई नहीं कर सकता। आप प्रशासन नहीं बदल सकते। जितने अधिकारी हैं सभी वही हैं, आप बदल सकते हैं या मैं बदल सकता हूँ? अच्छा, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपको पैसे देने पड़े हो, घूस वगैरह देना पड़ा हो? घूस तो चली रही है। हाँ। वो कभी नहीं खत्म होगी। हाँ। क्योंकि हम अपने बच्चे को ही नहीं समझा पाते हैं। घर से लेके चलते हैं तो बच्चे को एक रुपये पाता उसे ले लो बेटा सामान लाना, तब से जब घूस चल रही है तो अब क्या खत्म हो जाएगी? इस बार कोई घूस खत्म नहीं होगी। अच्छा, यूपी में और किसी की सरकार आ सकती है? बाकी सारे कई सारे दल हैं, आने को आ सकती है। हाँ। मगर कोई नई चेहरा है नहीं। हाँ। काम काज बढ़िया हुआ योगी सरकार में? सारी योजनाओं का लाभ मिला आपको? हमें नहीं मिला, मगर जो निम्न दर्जे के उन्हें मिल रहा है। फिर भी तो आपको भी तो मिलना चाहिए। हमें मिला, केसीसी का पैसा मिला है भी, 2,000 रुपए सबके आए खाते में। हाँ हाँ, किसानों के। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश सिंह। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते? कितनी कमाई हो जाती है इस समय? काम मद्दा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो महंगाई की वजह से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो झेलनी पड़ेगी जो है। किसको इस बार सरकार में लाएंगे आप? सरकार तो वही आएगी जो चल रही है। अच्छा, बाबा की? बाबा कैसी लगती है? बाबा के कामकाज कैसे लगते हैं? बाबा कामकाज ठीक है। हाँ। लेकिन वही है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो तो पहले के हैं, बाबा ने थोड़े ही बनाए हैं। वो तो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वो IPS हैं, PCS हैं, उनकी सीट थोड़ी छीन सकते हो आप? आपकी सरकारी तो बन गई है। तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि पैसा वैसा बहुत खाते हैं? अब वो जो कर रहे हैं उनको कर ही रहे हैं, पैसा कौन खाता है? अच्छा, और कुछ आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए योगी सरकार को, करना चाहिए? बदलाव के बारे में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बदलाव तो थोड़ा आना चाहिए। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? तेजवीर सिंह। जयवीर सिंह? तेजवीर। तेजवीर सिंह, आप ये बताइए कि योगी सरकार का कामकाज कैसा लगता है? बढ़िया है, सही। बढ़िया है। अखिलेश यादव, मायावती, ये सब कैसे लगते हैं? सही हैं, लेकिन योगी जी सही हैं हमारे हिसाब से। महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई से तो खैर परेशान हैं, महंगाई से थोड़ा है, लेकिन फिर भी सही है। आपको किस किस तरह की परेशानियां होती है, महंगाई की वजह से या बेरोजगारी की वजह से? नहीं, हमें तो खैर कोई परेशानी नहीं है विशेष ऐसी। सब चंगा है? लेकिन हाँ, सब चंगा है। वही है, ज़्यादा बेचारे गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा थोड़ी समस्या हो रही है महंगाई की वजह से। तो अच्छा, जितनी सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं उन सबका लाभ मिलता है आपको? हाँ, मिलता है, क्यों नहीं मिले। और इन योजनाओं के बारे में पता कैसे चलता है आपको? पता ग्राम प्रधान लोग बताते हैं। अच्छा। हाँ, तो इन योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राम प्रधान या अधिकारी वगैरह कोई पैसा वैसा भी मांगते हैं? नहीं, खैर मुझसे तो नहीं मांगे हैं। अब तक कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सम्मान निधि का मिला है, उज्ज्वल सिलेंडर वगैरह मिले हैं। उज्ज्वला योजना का? हाँ। अच्छा, सिलेंडर को लेकर लोग कहते हैं बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, हम भरवा नहीं पा रहे हैं। खैर महंगा तो हो रहा है, 900 रुपए का लगभग हो गया है, महंगा तो हो गया है। सब्सिडी खैर उसमें 17-18 रुपए आ रही है, महंगा तो है। 17-18 रुपए सब्सिडी आ गई, पहले तो काफी आती थी। पहले काफी। तो ये जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये परेशानी तो बढ़ ही गई होगी इसकी वजह से? नहीं, थोड़ी बहुत तो परेशानी खैर होती है। अच्छा, डीजल भी काफी महंगा हो गया है। डीजल महंगा हो गया है, तो इसकी वजह से क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी यही आती है, सवारी से लड़ना पड़ता है। अच्छा। थोड़ा बहुत 5 रुपए किसी से ज्यादा मांग लिए तो भाई वो सीधी हो जाती है, नाराज हो जाती है। सड़कें यहाँ की कैसी है? सड़क आगे लाल फाटक की तरफ थोड़ी खराब है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं पप्पू भरतौल, कैसा कामकाज रहा उनका? सही है। आते हैं, लोगों से मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। चले, यहाँ मैंने लोगों से बातचीत की और जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया है वो महंगाई। महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं उनका कामकाज लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के बीच में बराबर बने रहते हैं। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन 19 न्यूज़, बरेली।